उत्तराखंड में भगवान शिव को समर्पित 5 केदार हैं जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से तीसरा केदार है तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ का मतलब होता है पहाड़ों का भगवान, जो कि भगवान शिव को कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण आज से हजारों वर्ष पूर्व महाभारत के समय पांडवों के द्वारा किया गया था। तुंगनाथ मंदिर हिमालय की पहाड़ियों पर अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के बीच भगवान शिव का मंदिर है। यदि आप रोमांच के साथ साथ धार्मिक यात्रा का मिश्रण चाहते हैं तो तुंगनाथ मंदिर जरूर आएं। तुंगनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला पहाड़ी है, जहां से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको तुंगनाथ मंदिर की कहानी, इतिहास, यात्रा व महत्व इत्यादि सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने गोत्र व ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय किया था। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को काशी से लेकर केदारनाथ तक ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वे पांडवों के सामने नहीं आना चाहते थे। भगवान शिव ने केदारनाथ में जाकर एक बैल का रूप ले लिया और अन्य पशुओं के बीच चले गए। जब पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और दो पहाड़ों के बीच में पैर फैला लिए। अन्य सभी पशु तो पैरों के नीचे से चले गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तो पांडवों को संदेह हुआ और भीम उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तो बैल के रूप में शिव धरती में समाने लगे। तब भीम ने बैल की पीठ के त्रिकोणात्मक भाग को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की इस भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। जब भीम ने महादेव के बैल रूप को पकड़ा तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू नेपाल में प्रकट हुआ, जहां पर पशुपतिनाथ का मंदिर है, और पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। मदमहेश्वर में नाभि, रुद्रनाथ में मुख, तुंगनाथ में भुजाएं और कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई। उत्तराखंड में स्थित यह 5 स्थल पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। इन 5 स्थानों पर पांडवों के द्वारा भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का निर्माण किया गया था और शिवलिंग की स्थापना की गई थी। पंच केदारों में से तुंगनाथ तृतीय केदार है और यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। समुद्र तल से 3,680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिव का सबसे ऊंचा मंदिर तुंगनाथ की शोभा देखते ही बनती है। तुंगनाथ महादेव मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है। यहां पर उखीमठ से आगे चोपता नामक एक सुंदर सी जगह है, जिसके पास तुंगनाथ पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। चोपता से तुंगनाथ मंदिर 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चोपता तक हम विभिन्न साधनों से पहुंच सकते हैं। उसके बाद यहां से तुंगनाथ पहाड़ी पर पैदल चलकर तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। अब बात करते हैं कि तुंगनाथ मंदिर कैसे पहुंचे। यहां पहुंचने के लिए आप उत्तराखंड राज्य के 3 बड़े शहरों हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून कहीं भी आ जाए, क्योंकि उससे आगे की यात्रा बस, टैक्सी या निजी वाहन से ही करनी पड़ेगी। इन तीनों में से सबसे सही ऋषिकेश से चोपता जाना रहता है। हालांकि आपको तीनों शहरों से ही तुंगनाथ जाने के लिए बस या टैक्सी मिल जाएंगी। यहां से चोपता की सीधी बस या टैक्सी मिलना मुश्किल होता है, इसलिए पहले आपको गोपेश्वर या उखीमठ उतरना होगा और फिर वहां से चोपता के लिए साधन लेना होगा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको उत्तराखंड से जुड़ी जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए सफर में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।